बूंदी स्थित खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में लोगों को कुल 22 प्रकार के आसनों का अभ्यास करवाया गया। शिविर में जिला कलेक्टर, न्यायाधीश, चिकित्सा, शिक्षा और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। छोड़ते हुए प्रशासन ने और बूंदी के सभी निवासियों ने मिलकर संकल्प लिया आज कि हम निरोगी बूंदी बनाएंगे। इसके लिए हम रोज 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे, योगा करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं ही तो सब काम कर सकते हैं, तभी आपकी धन दौलत सब काम आती है, बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं है। फॉरेस्ट की भूमिका हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अभी लास्ट ही जो कोविड का महामारी लास्ट ईयर में हमने देखा ऑक्सीजन की किस तरह से किल्लत हो रही थी, तो फॉरेस्ट बहुत बड़ा योगदान इसमें रखती है। प्लस योगा की बात रही तो योगा एक जनरल, जैसे हम लोगों की जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हमें हो रहे हैं और ये जो वर्क प्रेशर हमें है, तो हमें मानसिक तौर से सेहतमंद और रहने की बहुत ज़रूरत है। तो योग अभ्यास जो है निरंतर करते रहने से हमें ये वाले जो पार्ट है हमारा ये पूरा होते रहता है, तो लाइफ में एक बेसिक बैलेंस बना रहता है, तो इसलिए हमें योग अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है। शरीर को और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, और ये भारत की ही देन है कि पूरे विश्व में अब ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा ही है, कोरोना के टाइम में जो लोग स्वस्थ थे, जो नियमित व्यायाम करते थे, योगा करते थे, वो इससे जो अच्छी तरह से लड़ पाए और स्वस्थ रह पाए।